प्लस 1 बी क्लास। आज मैं आपको कराऊंगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वन वर्ड सेंटेंसेस में लिखने हैं आंसर। तो डिफाइन एम एन सीज, इसका मतलब क्या है? द कंपनी विद ऑपरेशन इन मोर देन वन कंट्री डैट इज कॉल्ड एम एन सीज। गिव टू फीचर्स ऑफ एम एन सीज, दो फीचर बताने हैं अपने। तो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस, ये पूरे संसार में फैला होता है बिजनेस, और ये क्या होता है? लार्ज स्केल में होता है। थर्ड आता है गिव टू एडवांटेजेस ऑफ एमएनसीज, पहला आता है टेक्निकल डेवलपमेंट, दूसरा आता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन आता है गिव टू डिसएडवांटेज ऑफ एमएनसीज, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, हमारे देश के अंदर जो इंडस्ट्री होती है उनको खतरा हो जाता है क्योंकि ये अपना फैलाव कर लेती है देश में। दूसरा आता है नो बेनिफिट टू पुअर पीपल, इसका जो फायदा गरीब लोगों को नहीं होता। अब मैं करवाने जा रही हूँ ट्रू एंड फॉल्स। सोनी इज द एमएनसीज ऑफ जापान, तो ये इस ट्रू है, सोनी जो है वो प्रोडक्ट जो तैयार कर रहा है वो जापान से आते हैं। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड इज द एम एन सीज ऑफ यू एस ए, ये गलत है। एम एन सीज टर्न लार्ज प्रॉफिट, द लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गोज आउट ऑफ द कंट्री, तो ये ट्रू है बेटे। फिलिप्स एम एन एस मस्ट यूज द रिसोर्स इन प्रॉपर वे, तो इसका आंसर है नेचुरल। डैश इज द एम एन सीज ऑफ इटली, तो इसका आएगा फ्लैट। डैश इज द एम एन सीज ऑफ यू एस ए, तो इसमें आएगा पॉन्ड्स। डैश इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एम एन सीज, नो बेनिफिट टू पुअर्स। थैंक यू।